मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। आज हम कला सीरीज का अगला अंक उत्तर प्रदेश की प्रागैतिहासिक गुफाओं चित्रों के बारे में जानेंगे। पिछले दो वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थलों पर आधारित था, जैसे कि पहला अंक भीमबेटका पर था, उसके बाद जो मध्य प्रदेश के अन्य स्थल हैं पंचमढ़ी, होशंगाबाद, रायगढ़, इन सब पर एक वीडियो बना है। तो दोस्तों, अगर आपने उन दो वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लें और मित्रों चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फिर शुरू करते हैं आज का विषय, उत्तर प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्र, जिसमें प्रमुख रूप से मिर्ज़ापुर, बांदा और चित्रकूट के क्षेत्र आते हैं। मिर्ज़ापुर भारत की उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। पर्यटन की दृष्टि से मिर्ज़ापुर काफ़ी महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण बरबसी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। वर्तमान में मिर्ज़ापुर का विंध्याचल धाम भारत के प्रमुख हिंदू तीर्थस्थलों में से एक है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय मिर्ज़ापुर जिले के अमरावती चौराहे के स्थान से लिया गया है। मिर्ज़ापुर लाल स्टोन के लिए भी विश्वविख्यात है। मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के द्वारा देश भर में बौद्ध स्तूपों और स्तंभों को बनाने में यहाँ के लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया था। वर्तमान में यह जिला कालीन उद्योग के लिए विश्वविख्यात हो चुका है। भारत में सबसे पहले प्राकृतिक चित्रों की खोज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में हुई। हरे भरे जंगल, पहाड़ी झरनों, छोटी छोटी नदियों वाले विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच 100 से अधिक गुफाओं में आदि मानवों ने 5000 ईसा पूर्व अपना बसेरा बसाया था और इन गुफाओं की छतों और दीवारों पर आदि मानवों ने तत्कालीन गतिविधियों को चित्रों के रूप में उकेरा और इन चित्रित गुफाओं की खोज की आर्चिबाल्ड कार्लाइल एवं जॉन कॉकबर्न ने। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों का कई स्थानों पर उल्लेख है। यहाँ के शैल चित्रों को नवपाषाण काल का अनुमानित किया गया है, जो कम से कम 3000 वर्ष पूर्व के बताए गए हैं। इसलिए यहाँ की चित्रकारी गुफाओं को सर्वप्रथम प्राचीन मानव निवास स्थल भी बताया गया है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित चित्रित पशुओं में गैंडा, सांवर, हिरन, सुअर तथा बारहसिंघा आदि हैं। यह चित्र स्पेन की कागुल गुफा के चित्रों के आकार से चित्रण शैली व रेखांकन पद्धति में पर्याप्त समान दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ पर एक दृश्य में सुअर के आखेट का है, जिसका चित्रण अत्यंत मार्मिक और यथार्थता से हुआ है। तो आइए जानते हैं मिर्ज़ापुर की कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं में सोन नदी की घाटी और गरई नदी के आसपास के अनेक प्रागैतिहासिक स्थलों के चित्रों के बारे में। लिखुनिया, यहाँ पर हाथियों को पकड़ने के दृश्यों को बड़ी ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। एक चित्र सांभर के आखेट का है, जिसमें शिकारी के हाथ में भाले को कांटेदार चित्रित किया गया है। यहाँ अन्य चित्रों में पशु आखेट, नृत्य वादन करते मनुष्यों का समूह और लंबी चोंच वाला पक्षी आदि चित्रित किया गया है। घोड़मंगर, गैंडे के शिकार का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। सुरहो घाट, जंगली सुअर के शिकार का चित्र, शाही के आखेट का चित्र, हाथ के छाप के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। विजयगढ़, तीन आदमी लाल, पीले और सफेद रंग में हैं। और भंडारिया, घायल सुअर का चित्र यहाँ से मिला है और साथ ही ऊंट का चित्र भी है। लोहरी, एक आदमी जलती हुई मशाल लिए बाघ का सामना कर रहा है। इसके अलावा अन्य स्थल जहाँ पर चित्रों को देखा जा सकता है वे है विंडम, भैसोड, कांडाको, हरनीहरन, कोहबर, खोडहवा, पमोशा आदि। अब बात करते हैं दोस्तों बांदा जिले में स्थित गुफा चित्रों के बारे में, और यहाँ के चित्रों की खोज 1907 में सिल्वर राड ने की थी।
यहाँ के प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं, जैसे मानिकपुर, करियाकुंड, मलवा, सरह घाट। तो सबसे पहले मानिकपुर में देखते हैं कि यहाँ पे कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ की गुफा से हमें बिना पहिए की छकड़ा गाड़ी के चित्र मिलते हैं और चोंचदार पुरुष का चित्र भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। करियाकुंड स्थान से बारहसिंघा का पीछा करते धनुषधारियों का चित्र है। मलवा से 3 दंडधारी अश्वरोहियों का चित्र है। सरहो घाट से 3 अश्वों का चित्र है। इसके अलावा बांधा क्षेत्र से जो प्रमुख स्थल हैं वे हैं मलवा, सरह घाट, करियाकुंड, बरगढ़, मझावन, लखहट, मानिकपुर आदि। तो दोस्तों आज बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो गुफा चित्र थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रकला के बारे में। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नमस्कार।